के दिल मेरा हमेशा विपरीत दिशा में लहराया करता है और चक्र को आप चाहे जिस दिशा से देखिए वो आपकी दिशा में नजर आएगा। क्या बात है। और जो वहां पर भात पकाया जाता है वो भात भी बड़े प्रेम से सभी लोग खाते हैं। क्या बात। तमाम बातें आपने बता दी हैं। बता दी बेटे। और आपने ये भी कहा कि ये कोई सवाल नहीं है, ये प्रभु के चरणों में आपकी हाजिरी है। आपने अपनी हाजिरी लगा दी है और क्या। अब चूंकि कार्यक्रम तो जवाबी का है तो भाई तो हम लोगों को भी हाजिरी लगानी है। बिल्कुल बेटे। तो सुने आप लोग, सुने हम लोग क्या कह रहे हैं। क्या कहा गया है। क्या बेटे। भैया ये सीटी जरा देख रहा हूँ, पता नहीं कहाँ से आ रही है। वैसे आपके साउंड में और कोई कमी नहीं है। बढ़िया बोल रहा है आपका साउंड। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जो विशेषताएं आपने बताई हैं, उन विशेषताओं में देखिए दो तीन बातें हम भी जोड़े दे रहे हैं। कुछ विशेषताएं और भी हैं। उस स्थान पर, उस मंदिर में हनुमान जी महाराज जब मंदिर के अंदर दर्शन करने जाया करते थे तो हनुमान जी महाराज के पीछे पीछे समुद्र भी उनके पीछे चला जाता था। क्या बात, क्या बात, समझते रहिए। भगवान ने देखा कि पूरा समुद्र ही इनके पीछे चला आता है। इनको तो बाहर बैठाया जाता लेकिन जैसे दर्शन करने आते हैं तो पूरा सागर ही चला आता है। तो भगवान ने हनुमान जी को वहीं समुद्र किनारे बेड़ियों में जकड़ के बैठा दिया कि ना तुम भीतर आ पाओगे ना समुद्र भीतर आ पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बेटे। और जब बैठा दिया
तो मेरी पंक्ति कह रही है, सुने भैया सुने। तो सागर पे धरती पर छाया नहीं है बन पाती। मंदिर है लेकिन मंदिर की छाया यानी परछाई धरती पर नहीं पड़ती है। और सुनिए सुनिए, तो मंदिर की धरती पर छाया नहीं है बन पाती, और बाहर समुद्र की चाहे जितनी आवाज आए लेकिन जैसे ही आप मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे तो सागर की आवाज ना कोई, अरे मंदिर के भीतर जाती। वाह बेटे वाह वाह। मंदिर के अंदर जाने के बाद समुद्र की कोई आवाज नहीं आती है, ये विशेषता है। तो सागर की आवाज ना कोई, मंदिर के भीतर जाती। एक बात और देखें आप, सुने आपने कहा कि सब लोग बड़े प्रेम से भात खाते हैं, लेकिन वो भात ऐसे ही नहीं खाते हैं। सुनिए होता क्या है। क्या? अरे सात ही बर्तन, तो सात ही बर्तन में खीर देखो चढ़ाई है जाती। सात बर्तन रखे जाते हैं और विशेषता ये कि वो बर्तन लकड़ी के हैं लेकिन फिर भी जलते नहीं है। तो सात ही बर्तन में वो खीर देखो चढ़ाई है जाती, और सात बर्तनों में रखी जाती है लेकिन विशेषता ये है कि नीचे वाले बर्तन की बाद में पकती है, ऊपर वाले की सबसे पहले पक जाती है। वाह बेटे वाह, समझते रहिए, ये उसकी विशेषता है। क्या बात क्या बात। तो कहा क्या, अरे पहले ऊपर की पकती और तब नीचे पक जाती। तो कहना पड़ा क्या, तो सब करता और धरता, सब करता और धरता, बस ये ही तो यदुनाथ है। सब करता और धरता, सब करता और धरता, बस ये ही है यदुनाथ। और क्या है, क्या, अरे ब्रह्म पदार्थ में मूरत प्रभु की रखी है जाता। भगवान की जब मूर्ति बदली जाती है, मूर्ति तो बदल दी जाती है लेकिन भगवान के अंदर जो दिल धड़कता है, सुने आप सुनिए, अरे ब्रह्म पदार्थ मूरत में प्रभु की रखा है जाता, तो
धड़कता दिल है जैसे वो, धड़कता दिल है जैसे, अरे किशन का दिल वो कहलाता। वाह बेटे वाह वाह। एक बात और सुनिए सुनिए, एक बात और होती है क्या क्या, तो तीनों ही मूरत में बंधे हैं प्रीत के वो धागे। सुभद्रा, बलदाऊ जी और भगवान की जो मूर्तियां हैं, तो कहना क्या, तीनों ही मूरत में बंधे हैं प्रीत के वो धागे। यात्रा में भाई पीछे, जो यात्रा निकाली जाती है तो रथ में सबसे आगे कौन है और सबसे पीछे कौन है, समझो। यात्रा में भाई पीछे और बहना रहती है आगे। वाह वाह बेटे वाह। सुभद्रा जी सबसे आगे, सबसे पीछे बंदाऊ जी, और बीच में भगवान कन्हैया लाल। क्या बात क्या बात है। तो यात्रा में भाई पीछे और बहना रहती है आगे। तो कहना है क्या, सुभद्रा बलदाऊ जी है। जगन्नाथ।